आप सभी को नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमें डिस्कस करना है, वो है प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सोल्स। जो लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, वो हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस ऑन द बिहाफ ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, एंड तीसरा जो टाइप हमने डिस्कस किया था वो था ऑन द बिहाफ ऑफ द साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी प्रिपेयर ए कोलोइडल सॉल्यूशन, मतलब हम जो कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं उसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो देखो, लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन जो अपने पास होते हैं, लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशंस, उनको प्रिपेयर करना बिल्कुल इजी है। इसमें क्या होता है, जो डिस्पर्स्ड फेज है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको मिक्स हमें करना होता है किसके साथ, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के साथ, और जस्ट उनको हल्का सा हम शेक कर देते हैं तो हमारे पास लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। क्लियर? क्या किया हमने, लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना बिल्कुल इजी है। करते क्या है, इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैं उनको मिक्स करते हैं किसके साथ, डिस्पर्जन मीडियम वाले पार्टिकल्स के साथ, और थोड़ा सा शेक करने पर आपके पास लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। लेकिन जो लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशंस हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, तभी जा करके हम उनको बना पाते हैं। तो शुरू करते हैं कि कैसे हम लायोफिलिक प्रिपेयर करते हैं और लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन। तो टॉपिक है आज का अपना, वो है प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन या सॉल्व, प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन या फिर सॉल्व। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं फॉर लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन। लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन, तो लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना बिल्कुल इजी है। इनको हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, इजीली प्रिपेयर बाय मिक्सिंग पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनको आप क्या करो, जस्ट मिक्स करो और थोड़ा सा सेव करो विग्रेसली सेव हल्का से इसको सेव कर दो, तो आपके पास लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपके पास स्टार्च का कोलोइडल सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है ना, एग्जांपल क्या है इसका, आपका स्टार्च इन वाटर विल गिव यू दिस टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्व। जब हम स्टार्च का कोलोइडल सॉल्व तैयार करते हैं वाटर में, तो हम क्या करते हैं, स्टार्च लेते हैं, उस स्टार्च को गर्म वाटर के अंदर डाल करके थोड़ा सेक कर लेते हैं, तो अपने पास एक कोलोइडल सॉल्व तैयार हो जाता है किसका, स्टार्च का वाटर के साथ, स्टार्च इन वाटर। सेम केस इसी तरह से हम बना सकते हैं गम इन वाटर, वही सेम केस रहेगा एग एल्ब्यूमिन इन वाटर, इसी प्रकार से हम बना सकते हैं। जस्ट हमें करना क्या होता है, एग एल्ब्यूमिन को वाटर के साथ थोड़ा सा सेक करना होता है, अपने पास लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्व जो है वो तैयार हो जाती है। ठीक है, और एक बात हमने और इनकी पढ़ी थी कि लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्व जो अपने पास होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, रिवर्सिबल, इनको हम रिवर्स कर सकते हैं, इनका नेचर है रिवर्सिबल इन नेचर। तो इनको तो प्रिपेयर करना बिल्कुल इजी है, जस्ट हमने डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्जन मीडियम से मिलाया, सेक किया, तो अपने पास कोलोइडल सॉल्व तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें लायोफोबिक, ये था केस वन अपने पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस सेकंड फॉर लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्व, लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्व।
तो अगर हम बात करें लायोफोबिक कोलोइडल सोल की, लायोफोबिक कोलोइडल सोल अपन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो लायोफोबिक कोलोइडल, देखो लायोफोबिक जो कोलोइड्स थे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो डिस्पर्स फेज और जो डिस्पर्जन मीडियम है उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो क्योंकि डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्योंकि इंटरेक्शन नहीं है, तो लायोफोबिक कोलोइडल सोल को प्रिपेयर करना भी हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो इसके लिए हम कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज करते हैं जिनकी सहायता से हम लायोफोबिक कोलोइडल सोल को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कैन एक इनकी बात ये आपके पास आती है, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इजीली, कैंट बी प्रिपेयर्ड इजीली, इनको हम आसानी से नहीं बना सकते हैं। इनको बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स, स्पेशल मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। सम मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर कोलोइडल सोल, लायोफोबिक कोलोइड, लायोफोबिक कोलोइडल, कुछ मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं लायोफोबिक कोलोइडल सोल को प्रिपेयर करने के लिए। उनमें जो मेथड है अपने पास, वो फर्स्ट जो मेथड जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है बाय डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल, या फिर हम इसको कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन, या तो डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन, बाय डिसइंटीग्रेशन। ये फर्स्ट मेथड मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलोइडल सोल, दैट इज डिसइंटीग्रेशन मेथड। तो दे और या फिर हम इसको कह सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम इस मेथड से कोई लायोफोबिक कोलोइडल सोल प्रिपेयर करेंगे तो आपके पास एक पार्टिकल होगा बिग साइज का, बिग साइज मतलब उसका जो पार्टिकल रेंज है वो सस्पेंशन रेंज को बिलोंग करेगा। तो हम क्या करेंगे, उस पार्टिकल को डिसोसिएट करेंगे मैकेनिकली बाय यूजिंग ए मिल, कोलोइडियल मिल, और उसको तोड़ के हम किस रेंज में लेकर के आएंगे, कोलोइडियल रेंज के अंदर लेकर के आएंगे। मतलब जो सस्पेंशन का जो साइज है उसका साइज हम किस रेंज में चेंज करेंगे, उसको डिसोसिएट करके पार्टिकल को कोलोइडियल की रेंज के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो वहाँ से अपने पास एक कोलोइडियल सॉल्यूशन तैयार होगा। ओके, तो डिसइंटीग्रेशन या है ना, इसमें जो इसका भी फर्स्ट पार्ट जो अपने पास है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन बाय कोलोइडियल मिल, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन बाय कोलोइडियल मिल, कोलोइडियल मिल। तो कोलोइडियल मिल में क्या होता है, एक्चुअल में दो रोटेटिंग डिस्क होती है मेटल की लाइक दिस, ठीक, ये मेटल डिस्क है, दिस आर द मेटल डिस्क जो कि अपोजिट साइड में एक दूसरे के अपोजिट साइड में क्या करती है, रोटेट करती है। और यहाँ से हम जो सस्पेंशन है आपका वो पार्टिकल डालते हैं सस्पेंशन, ठीक। तो जब ये मेटलिक डिस्क रोटेट करेंगी यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में, ये आपका पार्टिकल यहाँ आएगा सस्पेंशन वाला, और इन दोनों के बीच में आकर के डिसोसिएट या डिसइंटीग्रेट होकर के किस रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलोइडल की रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ आकर के जो पार्टिकल है आपका वो सस्पेंशन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलोइडल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इस पूरे अपरेटस को ही हम क्या बोल देते हैं भाई कि ये जो है आपका ये पूरा क्या कहलाता है आपका, कोलोइडियल मील। जैसे चक्की होती है ना चक्की, मील हम उसको बोल देते हैं कि मील पे भैया का गिरा है क्वेश्चन का, ये चक्की की तरह ही काम करती है। ऊपर से सस्पेंशन हमने डाला, दो मेटल डिस्क हैं अपोजिट साइड पर रोटेट करते हैं, और सस्पेंशन के पार्टिकल को डिसोसिएट करके किस रेंज में ले आती है, ये कोलोइड की रेंज में ले आती है। तो एक तो मेथड हो गया ये जिस तरीके से हम लायोफोबिक कोलोइडल जो है आपका प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हैं जिनको अभी हम वन बाय वन करके डिस्कस
करेंगे तो देखो ये तो एक मेथड हमने देखा था कोलोइडल बनाने का, लायोफोबिक कोलोइडल बनाने का, दैट इज मैग्निकल डिसइंटीग्रेशन बाय कोलोइडल मिल। नेक्स्ट दूसरा जो मेथड है लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने का वो है आपके पास ब्रिक्स आर्क मेथड। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है टू प्रिपेयर द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल, है ना। इसको हम यूज करते हैं, यूज टू प्रिपेयर कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स। अगर हमें किसी मेटल का कोलोइडल सॉल्यूशन चाहिए तो इस मेथड से हम खूब इजीली उसका कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करना है किसका, सिल्वर इन वाटर, तो हम इस मेथड से खूब आराम से प्रिपेयर इसको कर सकते हैं, ठीक है। या गोल्ड इन वाटर या कॉपर इन वाटर, तो इस मेथड से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आपके पास इस मेथड में करते क्या है, कैसे इसको यूज करेंगे, तो इसमें कुछ इस प्रकार से आपके पास बीकर है जिसके अंदर आपका वाटर है, दैट इज वाटर। ठीक है, और जिस भी मेटल का आपको कोलोइडल बनाना है उस मेटल की इलेक्ट्रोड ये आप लगा देते हैं। जिस मेटल का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है उस मेटल की इलेक्ट्रोड, ये तो क्या हो गई मेटल की इलेक्ट्रोड, उसी मेटल की इलेक्ट्रोड लेनी है दोनों, जिस मेटल का आपको कोलोइड प्रिपेयर करना है, ठीक है। और इस सॉल्यूशन के बाहर यहाँ हम एक और बीकर लेते हैं और उसके अंदर क्या डाल देते हैं भाई, आइस। तो ये हो गया आइस कूल सॉल्वेंट, आइस कूल सॉल्वेंट, दैट इज सॉल्वेंट वाटर। और इसको बाहर से हमने कूल कर दिया किससे, आइस से, तो हम इसको बोलते थे आइस कूल सॉल्वेंट, दैट इज आइस, जिसका काम है इसको क्या रखना, ठंडा रखना। अब हम यहां से क्या अप्लाई करेंगे भाई, इनके ऊपर करंट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही इन पे पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहां से एक आर्क बढ़ेगी और उससे जो मेटल है आपका वो वेपराइज होगा, और वेपराइज होकर के जब वो बाहर जाने की कोशिश करेगा तो क्योंकि ये सॉल्वेंट कैसा है आपका, आइस कूल सॉल्वेंट है, तो वो यहीं पर कंडेंस होकर के आपको एक सॉल्यूशन, एक कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करवा देगा, किसकी, मेटल की, इसमें वाटर में। और इसी मेथड को हम क्या बोल देते हैं, ब्रिक्स आर्क मेथड, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से मेटल को क्या किया, डिसइंटीग्रेट या डिसोसिएट करके एक कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो आपका प्रिपेयर किया। क्या क्या है दोबारा सुनो, इसमें वाटर लिया, जिस भी मेटल का कोलोइडल हमें प्रिपेयर करना था उस मेटल की रोड इसके अंदर डाली, ठीक है। बाहर से क्या ले लिया हमने, आइस, इससे सॉल्वेंट क्या हो गया, आइस कूल सॉल्वेंट हो गया। अब हम जैसे ही यहाँ करंट अप्लाई करेंगे तो यहाँ एक आर्क बनेगा, उससे जो मेटल है वो क्या होगा, वेपराइज, लेकिन यहीं पर वो कंडेंस हो जाएगा वेपर जो है वापस, तो उस वेपर से जो कंडेंसेशन पे जो इसमें मेटल जो होगा वही आपको क्या दे देगा, कोलोइडल सॉल्यूशन दे देगा उस पर्टिकुलर मेटल का, ओके। ये दूसरा मेथड था जिसमें ब्रिक्स आर्क मेथड से हम कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं। थर्ड जो मेथड है आपके पास वो है भाई पैप्टाइजेशन, बाय पैप्टाइजेशन। तो पैप्टाइजेशन एक मेथड है बहुत अच्छा जिसके जरिए हम कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें करते क्या है पैप्टाइजेशन में, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग सूटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू इट, सूटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू इट।
क्या होगा, आपके पास एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, उस प्रेसिपिटेट में हम कुछ सुटेबल अमाउंट डालें किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, जिससे कि जो प्रेसिपिटेट है आपका वो डिसोशिएट होकर के टूट करके किस रेंज में चला जाए, आपका कोलोइडल की रेंज में चला जाए, उसको हम बोल देते हैं प्रिपरेशन ऑफ लाइपोबिक कोलाइड्स बाय पेप्टाइजेशन। ठीक है, इट प्रिपरेशन, इट इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू इट। क्लियर, इसका अपने पास एग्जांपल है, जैसे आपके पास एक प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है फेरिक हाइड्रोक्साइड का, ये इसका प्रेसिपिटेट है, जब हम इसके अंदर आयरन का कोई साल्ट डालते हैं तो ये आपको क्या दिलवा देता है भाई, एक कोलोइडल दिलवा देता है, दैट इज द कोलोइड, ये प्रेसिपिटेट। जब इसी के अंदर हम आयरन क्लोराइड का कोई साल्ट या कोई दूसरा हम कोई इसके अंदर छोटे पर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को किसमें कन्वर्ट करवा देता है, कोलोइड के अंदर कन्वर्ट करवा देता है। तो ये था आपके पास फॉर्मेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स बाय पेप्टाइजेशन। कुछ मेथड और देखते हैं जिनके जरिए हम प्रिपरेशन कर सकते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स की। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन की जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है बाय केमिकल रिएक्शंस। हम केमिकल रिएक्शंस के जरिए भी लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट जो मेथड जो है केमिकल रिएक्शन का, जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो जैसे इसमें क्या होगा, आपके पास एक सिंपल सा कंपोनेंट है H2S, तो इसमें हमें सल्फर की कोलाइडल मिलेगी, जिसमें हमने H2S हाइड्रोजन सल्फाइड लिया, जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये हमें एक प्रिपरेशन दे देता है किसकी, HBr प्लस क्या बन जाता है आपके पास, सल्फर, और सल्फर का क्या आता है आपके पास, कोलोइड आता है। ब्रोमीन वाटर जब हम लेंगे तो सल्फर का कोलोइड आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो ऑक्सीडेशन हुआ है, देखो ध्यान से, यहाँ जो सल्फर का जो चार्ज है वो -2, और यहाँ सल्फर एलिमेंटल स्टेट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 से जब ये जीरो में आ गया तो यहाँ इस सल्फर का क्या हो गया, एक प्रकार से ऑक्सीडेशन हो गया, तो हमने यहाँ पर एक क्लोराइड प्रिपेयर किया है बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। नेक्स्ट बात करें दूसरा, हम रिडक्शन से भी आपका क्लोराइडल जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं बाय रिडक्शन रिएक्शन। जैसे आपके पास है गोल्ड क्लोराइड AuCl3, ठीक है, जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं टिन क्लोराइड के साथ SnCl2 के साथ, तो यहाँ पर भी एक रिएक्शन हो जाता है और हम यहाँ से गोल्ड क्रिस्टल प्रिपेयर करवाते हैं बहुत अच्छे से, आपके पास बन जाता है 3 tetrachloride प्लस क्या बनता है, गोल्ड का सोल, तो गोल्ड की कोलाइडल सोल आपके पास आ जाती है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखो गोल्ड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर वो तो कितनी है, +3, और यहाँ गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, गोल्ड +3 से किस में आ गया, 0 में, मतलब यहाँ पर जो गोल्ड है आपका उसका क्या हो गया, एक प्रकार से भाई रिडक्शन हो गया। तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, क्लोराइडल सॉल्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम सूटेबल केमिकल रिएक्शंस। क्लियर, तो आई होप ये कुछ जो मेथड्स हमने जो डिस्कस किए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस की लायोफिलिक, जिसको बनाना बिल्कुल ईजी था, जस्ट डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिलाते बन जाता था। लायोफोबिक को बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, जैसे एक मेथड हमने देखा था कोलोइडल मिल्क की सहायता से, एक हमने देखा ब्रिक्स आर्क मेथड, एक हमने देखा पेप्टाइजेशन, और बाय यूज ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस हम क्या कर सकते हैं, लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक और लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्ट ओवर। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका टॉपिक प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो उसको देखो कि हम किस प्रकार से कोलाइडल सॉल्ट को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जो कोलाइडल सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है बाय वेरियस टेक्निक्स, वेरियस मेथड्स,
उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। जैसे अगर हम लायोफोबिक क्लोराइड सॉल्यूशन की ही बात करें, पेप्टाइजेशन से हमने बनाया था तो उसमें हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, क्लोराइडल मिल से भी जब हम उसको जब पीसते हैं तो भी उसमें कुछ इम्प्योरिटी वगैरह रह जाती हैं, ठीक है। या और अदर मेथड से भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज जो है लायोफोबिक क्लोराइड सॉल के अंदर प्रजेंट रहती हैं। तो अगर हमें उन इम्प्योरिटीज को रिमूव आउट करना है, बाहर निकालना है, तो किस प्रकार से हम उसको निकालेंगे, उन वेज के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डायलाइसिस। तो डायलाइसिस क्या है, एक सिंपल सा मेथड है जिसमें हम बाय द हेल्प ऑफ ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्रिस्टोइड को सेपरेट करते हैं किससे, कोलोइड से, ठीक है। क्या करेंगे, बाय द यूज ऑफ ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्रिस्टोइड को कोलोइड से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो क्रिस्टोइड की जो इम्प्योरिटीज कोलोइड के साथ प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगी, सेपरेट आउट हो जाती हैं। देखो तो सबसे पहले तो डायलाइसिस क्या है इसको लिखते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज ऑफ Removing the impurities of crystalloids from colloids. Impurities किसकी हैं? Crystalloid की। किसमें हैं? Colloids में हैं, ठीक है? By using suitable SPM. सुटेबल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज करके हम जब क्रिस्टलोइड को कोलोइड से सेपरेट करते हैं, उस फिनोमिनन, उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, डायलाइसिस बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखो अगर हम सिंपली बात करें तो जैसे ये आपके पास वाटर है, इसके अंदर हम कोलोइड रखते हैं आपका, ये आपके पास एक मेम्ब्रेन है आपकी SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और भाई इसके अंदर आपने क्या लिया हुआ है, आपका कोलोइड, दैट इज योर कोलोइड, ये आपका कोलोइड है, ठीक है, विद सम क्रिस्टलॉइड्स। ये कुछ इसके अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, क्रिस्टलॉइड प्रेजेंट, क्लियर। और ये जो बैग है इसको हम यहाँ हैंग कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने टांग दिया, क्लियर। अब क्या होगा, जो क्रिस्टलॉइड है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने इंडिकेट किया है, ये तो है क्रिस्टलॉइड, और जो ब्लू कलर से जो इंडिकेटेड है ये वाला, ये है कोलोइड, रेड कलर से जो थी आपकी वो थी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अब होगा क्या, जैसे मैंने कहा कि ये जो डायलाइसिस है ये किस बेसिस पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है इसका, कि जो क्रिस्टलॉइड है moves out from SPM, ये तो SPM से सेपरेट आउट बाहर आ जाएगी, while colloid remain inside, colloid कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा, crystalloid semi permeable से कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इनको सेपरेट कर लेंगे। तो होगा क्या, देखो जैसे जैसे आप इसको रखोगे वैसे ही ये क्रिस्टलॉइड जो है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, बात है इसमें। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, कोलोइड बचेगा। ये जो प्रोसेस है इसकी एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि इस प्रोसेस में हमें फ्रिक्वेंटली जो आपका वाटर है उस वाटर को क्या करना होता है भाई, बार बार यहाँ से रिप्लेस करना होता है, क्योंकि अगर हम इस वाटर को रिप्लेस नहीं करेंगे तो कुछ देर बाद यहाँ पर इस सॉल्यूशन में क्या एग्जिस्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, और जितने क्रिस्टलॉइड इस बैग से बाहर आएंगे उतने ही इसके अंदर जाना शुरू कर देंगे, तो इससे प्योरिफिकेशन कम होगी।
तो अच्छा प्योरिफिकेशन हो क्लोराइड, इसके लिए हम इसको क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं यहाँ से टब और फ्रेश वाटर इसके अंदर डालते हैं। यहाँ से फ्रेश वाटर हम इसके अंदर कंसिस्टेंटली ऐड करते रहते हैं, जिससे आपका जो क्लोराइड है उसको हम क्रिस्टलॉइड से सेपरेट कर लेते हैं। ये प्रोसेस अगर हमें बहुत फास्ट रेट पे करवाना है, तेजी से करवाना है, तो हम इसके अंदर थोड़ा बदलाव कर लेते हैं। हम बदलाव क्या करते हैं, इसी प्रोसेस को हम एक और नाम दे देते हैं, देखो। और बदलाव क्या किया, अब हम बताते हैं, इलेक्ट्रो डायलाइसिस, दूसरी टर्म हो गई है आपके पास, इलेक्ट्रो डायलाइसिस। अब क्या है, इसमें अगर इसी प्रोसेस डायलाइसिस वाले प्रोसेस को ही फास्ट रेट पे करवाना है, तो यहाँ पर आप दो मेटल की प्लेट लगाओ और उनके ऊपर क्या अप्लाई कर दो भाई, करंट अप्लाई कर दो, प्लस माइनस, हमने इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल अप्लाई किया। तो अब आपको पता है कि क्रिस्टलॉइड पे चार्ज होता है और चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फास्टर मूव करते हैं, तो तेजी से वो सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन से बाहर निकलेंगे, तो यही डायलिसिस की प्रक्रिया बहुत फास्ट रेट में होनी शुरू हो जाएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो डायलिसिस, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा करके डायलिसिस के ही प्रोसेस को क्या करवा दिया, फास्ट रेट पे करवा दिया। तो एक तो मेथड हो गया ये, जिसके जरिए हम किसी क्लोराइड सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। कुछ मेथड्स और हैं प्योरीफिकेशन के, उनको देखते हैं। दूसरा जो मेथड है जिसके जरिए हम लायोफोबिक क्लोराइड सॉल्यूशन को प्योरीफाई कर सकते हैं डायलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिस के बाद, वो है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो देखो कि जैसे नाम से पता चल रहा है, फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर करेंगे हम यहाँ पर किसी चीज़ को, अल्ट्रा मतलब सिंपल फिल्ट्रेशन नहीं है, यहाँ पर ग्रेटर फिल्टर पेपर की सहायता से, मतलब एक स्पेशल फिल्टर पेपर की सहायता से क्या करेंगे, हम क्लोराइड सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। तो ये इसमें हम क्या करते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ क्लोराइड सॉल्यूशन by using a special filter paper special or graded filter paper, that is ultra filter paper, filter इसको एक स्पेशल टेक्निक से हम प्रिपेयर करते हैं। इसमें जो फिल्टर पेपर के पोर्स हैं उनको काफ़ी हद तक जो है हम वो छोटे करते हैं बाय यूजिंग ए कोलोडियन सॉल्यूशन ओके, उसकी सहायता से। तो उस फिल्टर पेपर को हम बोल देते हैं स्पेशल या फिर ग्रेडेड फिल्टर पेपर। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी हम कोलोडियन सॉल्यूशन को प्योरीफाई कर सकते हैं। और लास्ट मेथड जिसके जरिए हम इसको प्योरीफाई कर सकते हैं, वो है भाई अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस इन विच क्लोराइड सॉल्यूशन इज रोटेटेड एट ए वेरी हाई स्पीड, जिससे क्या होगा, जो क्लोराइड सॉल्यूशन है वो तो नीचे सेट डाउन हो जाएगा और इम्प्योरिटीज आपकी कहाँ रहेंगी, ऊपर रहेंगी। उस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं क्लोराइड सॉल्यूशन। प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ क्लोराइड सॉल्यूशन बाय रोटेटिंग इट एट ए वेरी हाई स्पीड क्लोराइड सॉल्यूशन को जब हम बहुत हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं, तो क्लोराइड्स नीचे से डाउन हो जाता है ड्यू टू इट्स हैवी वेट, क्रिस्टलॉइड्स आपके ऊपर आ जाते हैं। उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सेपरेशन बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर? तो ये कुछ बातें आज हमने डिस्कस की। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड सॉल कैसे करेंगे, वो मेथड हमने कुछ देखे, और दूसरा जो टॉपिक आज का हमने डिस्कस किया वो डिस्कस किया प्योरिफिकेशन ऑफ क्लोराइड सॉल। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। और हाँ, एक ज़रूरी बात कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं
और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।